गुड मॉर्निंग। कल आपको दिखाया नहीं था, एक्चुअली ये धोना बाकी रह गया था तो रात को मैंने धो दिए थे। देखो ये दो जार कल मैंने लिया था उस लेडी से। वैसे हम तो अच्छे शॉपिंग मॉल में जाके खरीद के लेके आते हैं अच्छे अच्छे प्राइस देके, लेकिन ना मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया। ये दो मुझे पड़ा 350 रुपीस, ठीक है। और वहाँ जाके तो मैंने एक का ही 350 देके लेके आई थी। वो क्वालिटी और भी ज़्यादा मतलब ठीक था और भी ज़्यादा मोटा था, लेकिन ये लोग ऐसे सेल कर रहे थे ना तो मैं ज़्यादा बार्गेन नहीं कर पाई। वैसे आज आपको मुझे दिखाना है साड़ी वगैरह, लेकिन अभी नहीं, अभी झाड़ू पोछा करूंगी, करके थोड़ा कुकिंग करके रखूंगी। आज एक काम है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत दिनों से पेंडिंग है जो आज पूरा करना है, करना ही पड़ेगा। वेदर के बारे में जैसे मैं रोज आपको बताती हूँ, आज वेदर बहुत अच्छा है। सी एकदम सनी सनी वेदर है, मौसम अच्छा है। कल बहुत कोल्ड कोल्ड था, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। काम कर लेती हूँ फिर आपसे मिलूंगी। इसमें मैं सुनती रहूंगी गाना और करती रहूंगी घर का काम। किसी ने मुझे पूछा था ये क्या है दी, आप ये कौन सा है? ये वंडर बूम है, बहुत अच्छा साउंड है इसका, बहुत पहले का है, 4-5 साल पहले का ही है। मैं इसको ऑन करके ही काम करती हूँ हमेशा। ये चिल मार्केट वाली इल्शा और प्रॉन्स राइस चढ़ा दिया है और सोच रही हूँ आज बनाऊंगी इल्शा पातुड़ी और कुछ नहीं, रात के लिए कुछ और देख लूंगी, ठीक है। ये सब राइस चढ़ा दिया है, इस टाइम पे मैं जाऊंगी नहाने। दोनों को फिलहाल के लिए यहाँ पे प्लेस कर दिया है। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, एकदम लाइट ग्रीन और ऊपर से ब्लैक ब्लैक डॉट फ्लावर्स, अच्छा लग रहा है। अब अभी मैंने सजाया नहीं है बट अच्छा लग रहा है ना देखने में। क्या रखूंगी ये मैंने अभी तक नहीं सोचा। बन गया इल्शा पातुड़ी। ऑथेंटिक जो इल्शा पातुड़ी का रेसिपी है उससे थोड़ा सा हटके मेरे स्टाइल में मैंने बना लिया है। मेरे जो जो इल्शा लवर्स फ्रेंड्स हो उनके लिए ये क्लिप डेडिकेटेड है। कलर देखो एक बार। गुड आफ्टरनून, नहा के पूजा करके आ गई हूँ। सोचा आपसे पहले शेयर करती हूँ, आपको पहले दिखाती हूँ मैं क्या क्या साड़ी लेके आई हूँ। वैसे डे टाइम है, कब अंधेरा हो जाएगा पता नहीं। एक तो ये है, ये हैंडलूम साड़ी है, काथा स्टिच के ऊपर है। ये जो आप देख रहे हो ना थ्रेड का काम है, ये काथा स्टिच है। और ये जो साड़ी है ना स्पेशली हमारे बंगाल का है, मेदिनीपुर का। वहाँ का जो ताती है, ताती लोगों ने मतलब ये एकदम हाथ से बना हुआ है, कुछ भी मशीन वर्क है नहीं इसमें, तो इसलिए ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये मैं कितना खोल के दिखा पाऊँगी आपको पता नहीं। साड़ी कुछ इस तरह से है, पूरी साड़ी में ना ऐसे काथा स्टिच का वर्क है। मेन खास चीज़ जो है इसका पल्लू, पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ। पल्लू कुछ इस तरह से है, देखो ये पल्लू है। और ब्लाउज पीस जो है रनिंग है, तो मैं बनाऊंगी दुर्गा पूजा के टाइम पे, कैसे बनाती हूँ कैसा डिजाइन देती हूँ वो तो मुझे अभी भी पता नहीं है, तब मैं दिखाऊंगी आपको। पॉम पॉम लगा हुआ है, सी अच्छा लग रहा था। और एक साड़ी एक ही टाइप का मतलब एक ही पीस था, कस्टमर को पसंद आता है तो वो लोग फिर से मंगवा लेंगे, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, यूनिक था। और मेरे पास ना ऐसे टाइप का साड़ी है भी नहीं। साड़ी आपने तो देखा है सिल्क के ऊपर हेवी साड़ी है, जरी वर्क का साड़ी है, ऐसा साड़ी मेरे पास है नहीं था नहीं। तो ये वाला साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कलरफुल है। एक तरफ ये वाला पार है और एक तरफ ये वाला, कुछ इस तरह से है ये वाली साड़ी। डिटेल में मतलब पहन के तब तो मैं दुर्गा पूजा के टाइम दिखाऊंगी। और है ये, पता नहीं ये साड़ी आपको कैसा लग रहा है। जब ये साड़ी हमने देखा था ना, हमारा रिएक्शन कुछ मतलब लगा था अरे ये कौन सा साड़ी, उनको बहुत पसंद आया है इसलिए उन्होंने ये साड़ी लिया है। ये जो है ना साड़ी कुछ इस, बहुत ही प्लेन है, सिंपल है, प्योर सूती का है और उतना ज़्यादा इसमें काम नहीं है, अपने आप में ही बहुत सिंपल है और एलिगेंट है। पहनने के बाद पता चलेगा। इसका जो पल्लू है वो इस तरह से है, और ब्लाउज पीस जो है वो शायद हाँ ये है ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस। ये साड़ी बहुत ही सिंपल है, ब्लाउज को मुझे थोड़ा सा
सोचना पड़ेगा कैसे मैं बनाने के लिए दूंगी इसको। इसमें दो और कलर था, एक पिंक के ऊपर और एक ये ब्लू और ग्रीन। कैसा लगा आप ज़रूर बताना। कुछ इस तरह से है साड़ी, मैं ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ शायद। ঢিঙে ডালো তো শাড়িগুলো বেশ ভালো লাগছে গো রাজ। হ্যাঁ, আর এক শাড়ি ইয়ে। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि ये दुर्गा पूजा वाली साड़ी है। अगर मैं आपको ऐसे खोल के पूरा डिटेल में दिखाने जाऊंगी तो पुराना हो जाएगा ना। लंच में आज बहुत कुछ बना लिया है, एक करी बनाया है, इर्षा पातुरी बनाया है, दाल बनाया है और बनाया है बैंगन भाजी राइस। पता नहीं कौन सा सिलेक्ट करेंगे लंच के लिए, एक बहुत जरूरी काम के लिए हम निकलेंगे। मैं हो गई हूँ रेडी। खाना खाने के बाद सोफे में लेटे हुए टीवी देख रही थी और इतना भयानक नींद आ गया। फिर उन्होंने बोला चलो आज शॉट लेना है। एक्चुअली बूस्टर डोज का मैसेज बहुत दिनों से आ रहे हैं, हम ही नहीं ले रहे थे तो आज सोचा चलो ले ही लेते हैं। वैसे दो बार जो हमने लिया था ना उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था, लेने के बाद पता नहीं इस बार क्या होगा। कल आनू का स्कूल है, कोई बात नहीं, अभी इवनिंग का टाइम है 4 o'clock, चलो लेके आते। क्या हालत हो गया ना, हर साल ऐसे हमें बूस्टर डोज लेना पड़ेगा हर साल। हम आ गए हैं वैक्सीन लेने। ये है ओवम, यहाँ पे ही लूँगी। वॉक इन है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जाएंगे और दे देंगे शायद। कोविशील्ड नहीं है, कोवैक्सीन है, इसलिए हेलमेट लिया, जाएंगे दूसरी जगह पे। उफ हो रहा है ना, जल्दबाजी नहीं है, आराम से पेन होता है लेने के टाइम पे थोड़ा। वैक्सीन लेके 10 मिनट्स इंतजार करके फिर जा रही हूँ। पेन होता है तो होता ही है, दो बार ले चुके हैं। चलो अभी घर चलते हैं। स्कूटी चला के पार कर तुम। ये ब्रेड इटालियन चीज ब्रेड नहीं, वो चिकन स्टू के साथ अच्छा लग रहा था ना, टूटी फूटी वन। हाँ ये अच्छा है, स्वीट स्वीट है। 40 rupees 4 pieces। ये भी स्वीट बन है क्या? ये बड़ा बड़ा है, हम उधर बोलते थे ना बन पाव रोटी। मल्टीग्रेन ब्रेड आप ये लो, ये खाओ मल्टीग्रेन ब्रेड। तो बोला बोले वाह, देखो तो कितने सारे ऑप्शन हैं, जस्ट अभी अभी गरम गरम बना रहे हैं और रख रहे हैं। मैं ना दूर से खड़ी होकर देख रही थी, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना बेकिंग का। वो देखो मैंगो डेनिश, आज ये ट्राई करेंगे ठीक है। फाइनली घर आ गए हैं। पता है आपको, बीच रास्ते में इतने जोर से बारिश होना शुरू हो गया था, हम ब्रेड के दुकान में ब्रेड ले रहे थे, पीछे मुड़ के देखे तो इतना ज्यादा बारिश हो रही है। ब्रेड लेके आई हूँ ढेर सारी, ये देखो। आज का हमारा डिनर का जो प्लान है वो कैंसिल करना पड़ा। इसलिए कैंसिल करना पड़ा, एक तो इल्शा बना लिया है रात के लिए, वो तो कोई बात नहीं, दूसरा वैक्सीन लेके आई हूँ। नहीं खाएंगे बाहर। नेक्स्ट वीक जाएंगे श्योर। आपके वजह से मुझे भी खाने को नहीं मिला। आनू बेचारी, चल ठीक है तेरे लिए कुछ और लेके आई हूँ, वो खा ले। ये है टूटी फ्रूटी वाला स्वीट बन, वैसे ही नॉर्मल सा स्वीट बन है ये, और ये बर्गर बन है, ये मैं बनाऊंगी ठीक है। और साथ में है कौन सा चाहिए आप पसंद खाओ, चलो पसंद करके अपने लिए लेके आई हूँ, देखती हूँ कैसा है। बाबू एक खाबी सत्य भालो हो गए एल्फेंसो मैंगो है अंदर। कितना प्राइस है? 406।
बारिश रुकने के बाद हम लोग ना फिर से बाहर आए थे, क्योंकि प्लान था आनू के लिए एक वाटर बॉटल खरीदेंगे, सो आ गए थे इधर। वैसे ये वाला जो शॉप है ना, इसके जो एकदम ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सारे ग्रॉसरीज आइटम मिलते हैं जो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है उसमें काफ़ी मतलब बुक्स स्टेशनरी वगैरह मिलता है, उसको भी मैंने देख लिया है, बट ये वाला जो पार्ट है ना ये मैंने कभी देखा ही नहीं। थर्ड फ्लोर में तो सारे के सारे किचन के आइटम्स हैं, और जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वैसे वो घड़ी देख रहे हैं आनू के डेस्क के लिए, एक छोटा सा घड़ी, और मैं देख रही हूँ इतने सारे शोपीस है ना इधर, कलरफुल कलरफुल, कितना अच्छा लगता है। मैं मुझे ना ये सब अच्छा लगता है, छोटे छोटे डॉल्स, छोटे छोटे पीसेस। ये वाला घड़ी कैसा लगेगा? अरे वाह, देखो तो कितना अच्छा है ना ये किचन आइटम्स। और वैसे बोरोशिल का आइटम्स तो मुझे अभी एक एक करके कलेक्ट करना है, थोड़ा सा महंगा रहता है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब भी ज़रूरत होगी तो मैं इधर आ जाऊँगी। ये देखो आज आनू के लिए एक लंच बैग लेके आए हैं, आते ही देखा किटी लगा दिया उसने, उसका बस यही है की रिंग लगाना है बस। अच्छा है ना, ये 215 रुपीज लिया है, ऑनलाइन में भी सर्च कर रही थी तो सेम चीज़ वो स्टोर में मिल गया तो लेके आई। लड़की को पसंद नहीं आता तो ये पसंद आया है। चल ठीक है, डिनर के बाद हम ये खाएंगे मैंगो। वैसे अभी भी बैंगलोर में अच्छे अच्छे मैंगोस मिल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं तुम लोगों को इतना अच्छा अच्छा मैंगो कहाँ से मिल रहा है। और है इल्शा, एकदम इंटैक्ट, हाथ भी नहीं लगाया, रात को खाएंगे इसलिए। सर आज के ब्लॉग को मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगी, एक्चुअली हाथ में वैसे थोड़ा मसल में थोड़ा थोड़ा पेन है। आज मैंने सोचा है जल्दी जल्दी डिनर करेंगे और रेस्ट लेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। आज टीवी भी नहीं देखेंगे क्योंकि सुबह उठना है 6 o'clock। आशा करती हूँ सब कुछ ठीक ही रहेगा, मैं भी ठीक रहूँगी, सुबह सुबह उठ पाऊँगी, आनू को भेज पाऊँगी अच्छे खासे टिफिन के साथ। राइस बन चुका है, जल्दी जल्दी खा लेंगे हम आज। न्यू एडिशन हुआ है आनू के रूम में, ये वाली घड़ी चुटकी सी, और इसमें ना लाइट भी चलता है, पता नहीं ये देखो अंधेरों में अच्छा है ना, क्योंकि अलार्म लगा के मैथ वैथ कर पाएगी ना इसलिए।